हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये ट्विस्टेड केबल का बहुत ही सुंदर सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर लगता है ये, इस तरीके से ये आता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसे ये कैप बना रही हूँ। ये देखिए, बहुत सुंदर आता है ये फ्रंट लुक है। बैक से ये ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा आएगा बैक से। ये पैटर्न आपका 12 रोज का है, 12 सिलाइयों में एक बार बन के ये पैटर्न कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 16 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे हमें एक्स्ट्रा लेने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 34 फंदे में डाल के दिखाऊंगी। 34 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें हमारा 2 बार पैटर्न बनेगा। फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से। इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही रिपीट होनी है अभी हमारी 10th रो तक। तो फर्स्ट रो और सेकंड रो हमारी 10th रो तक रिपीट होंगी। तो फर्स्ट रो है 2 फंदे पहले उल्टे, यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, यही रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। ये 16 फंदे कंप्लीट हो गए हैं डिजाइन के, 16 स्टिचेस हैं। फिर से वही रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर से 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। सेकेंड रो दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें जो जैसा फंदा आपको दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। देखिए, ये 2 फंदे सीधे हैं, इन्हें हमने सीधा बिनना है। फिर ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं आपको, धागा अपनी तरफ लाएंगे और 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। यही रिपीट करते जाना है। देखिए, 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बिनेंगे। फिर ये 2 फंदे उल्टे हैं, तो धागा अपनी तरफ ला के इन दोनों को उल्टा बिनेंगे। अब ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट कर लेंगे इसको। दो रो कंप्लीट हो गई है, इसी तरीके से हम अपनी 10 रो कंप्लीट कर लेंगे, जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिनेंगे। तो थर्ड रो में भी हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो की तरह बनेगी, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे करते हुए कंप्लीट कर लेंगे इस रो को। अब फोर्थ रो है, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें भी जो जैसा फंदा दिख रहा है आपको वैसे ही बना के कंप्लीट करनी है इस रो को। 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बिनते हुए से कंप्लीट कर लेंगे। फिफ्थ रो पांचवी सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिक्स्थ रो छठी सिलाई, जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिन के कंप्लीट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। सेवेंथ रो सातवीं सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बनाना है। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। एट्थ रो आठवीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बना के कंप्लीट कर लेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। नाइन्थ रो नवी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही बिनेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे इसे। 10th रो जो जैसा फंदा दिख रहा है वैसा ही बिन के कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बिनते हुए से कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई हैं, एक जैसे ही बनाई हैं हमने। पहले 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, फिर 2 फंदे सीधे, ऐसे करके हमने ये 10 रो कंप्लीट कर ली है। इस तरीके से आएगी ये। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की। इसे ध्यान से देखिएगा, इसमें हमारी केबल डलेगी। तो देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करना है। अब यहीं यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, जो कि रिपीट होगा। तो अब इन 8 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो 1 2 3 4, पहले की ये जो 4 फंदे हैं आप इस तरीके से डबल साइडेड निडल में ले लीजिएगा। देखिए 1 2 3 4। अब इस इन 4 फंदों को ऐसे पीछे की तरफ रख के ये वाले 4 फंदे हमें बिनने हैं। अब ये वाले जो 4 फंदे हैं, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही बिनना है। तो पहले एक फंदा हम उल्टा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, फिर ये वाला एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ये 4 फंदे हमने बिन लिए। इसके बाद जो ये पीछे हमने रखे हैं फंदे, इनको बिनेंगे। तो इस तरीके से इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे, दूसरी तरफ। और अब इसमें से देखिए, पीछे वाली सिलाई में से एक फंदा उल्टा बिनेंगे ये, फिर 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, फिर ये एक फंदा उल्टा बिनेंगे। इस तरीके से हमने 8 फंदे ट्विस्ट कर लिए हैं राइट साइड को। अब हमें लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है। तो देखिए, अब फिर ये 4 फंदे लेंगे, एक दो तीन चार, इस बार इसे आगे की तरफ रखेंगे ऐसे। और फिर ये पहला फंदा इसका एक उल्टा बिनेंगे, आगा पीछे 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, और ये एक फंदा उल्टा बिनेंगे। अब जो हमने ये आगे रखे हैं फंदे, इसको इस तरीके से ऐसे लाएंगे। अब इसमें से ये एक फंदा उल्टा बिनेंगे, देखिए धागा पीछे, फिर 2 फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया हमारा एक बार पैटर्न। फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे दोबारा से। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये 4 फंदे, 1 2 3 4, पहले हमने इस तरफ रखे, ये 4 फंदे ऐसे उतारे, 1 2 3 4, ये सेकंड मेथड बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद इन 4 फंदों को वापस से ऐसे लेफ्ट निडल में उतार दिया, 1 2 3 4, ऐसे ये ट्विस्ट हो गए, ये वापस से ऐसे उतारे, 1 2 3 4। तो अब आपके पास ये 8 फंदे ट्विस्ट होकर के आ गए हैं। अब आप इसे बिन सकते हैं आराम से। देखिए एक फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे इसके, एक दो, फिर 2 फंदे उल्टे, एक, और ये जो 4 फंदे थे फिर इसमें से भी एक फंदा उल्टा, तो ये 2 फंदे उल्टे हो गए, फिर 2 फंदे सीधे, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा। तो ये राइट ट्विस्ट कर लिया हमने। अब लेफ्ट ट्विस्ट करने के लिए ऐसे करके 1 2 3 4 को ऐसे उतारा, आगे की तरफ रखा, फिर 1 2 3 4 ऐसे उतारा, फिर इसको लेफ्ट निडल में उतार लिया, 1 2 3 4, ऐसे करके ट्विस्ट हो गया ये।
फिर इन चार फंदों को ऐसे उतार दिया, एक दो तीन चार। अब इन आठ फंदों को बिन लेंगे, तो इसमें से पहला फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर दो फंदे सीधे, एक दो, फिर एक फंदा उल्टा। कंप्लीट हो गया पैटर्न, लास्ट में एक फंदा बचेगा, इसे भी आपने उल्टा बिनना है। ये देखिए दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, इसमें अलग मेथड बताया है, इसमें ट्विस्ट करने का अलग मेथड बताया है, तो आपको जो आसान लगे आप वैसे ही ट्विस्ट कर लीजिएगा। अब आ जाइए 12th रो पे, 12वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, उल्टा साइड हम जैसा बिन रहे थे वैसा ही बिनेंगे इसमें भी। तो देखिए दो फंदे सीधे हैं, ये दो फंदे सीधे बिनेंगे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे हैं तो दो फंदे उल्टे, एक दो, इन्हीं को रिपीट करते जाएंगे। फिर देखिए दो फंदे सीधे, एक दो, फिर दो फंदे उल्टे। देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इन्हीं 12 रो को आपको दोहराते जाना है, फिर से अपनी 1st रो से आप कंटिन्यू कीजिएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे, देखिए ये दो सीधे दो उल्टे हैं, तो ये आपके यहाँ पे बीच में चले जाएंगे ये दो सीधे वाले, तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो आपको इसका लुक इस तरीके से दिखेगा। देखिए इस तरीके से आएगा फिर ये लुक, ये अभी यहाँ तक बना है, यहाँ तक बना है ये, उसके बाद फिर जब आप रिपीट करेंगे तो ये बीच में से ये आएंगे और यहाँ से फिर ये ट्विस्ट होंगे, तो ऐसे आने लग जाएगा फिर। देखिए, थैंक यू।